हेलो एवरीवन, वेलकम बैक लाइफ। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड हैप्पी नवरात्रि गाइस। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है और मैंने यहाँ पे सोचा चलो आज से ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे आज है येलो कलर, आज है माता रानी का येलो कलर। तो आज हम लोग ने ऑफिस में सब लोग येलो कलर की ड्रेस पहनकर आए थे। सो यहाँ पे मैं वर्क कर रही थी, ऑफिस का कुछ काम था विलिंग का। अभी मेरी 3-4 दिन की छुट्टी हो गई थी तो उसके अकॉर्डिंग मुझे काम ज़्यादा था एंड इसीलिए फिर हम लोग काम कर रहे थे और यहाँ पे बातें भी करते जा रही थी मैं अपनी फ्रेंड से। एंड यहाँ पे मतलब काम करते बातें करते करते ना काम का पता ही नहीं चलता। फिर उसके बाद थोड़ा सा बाहर निकले, बाहर ना पता है आप लोग को मतलब अंदर ऑफिस में ना काम करते करते भी माइंड ना थोड़ा वो हो जाता, बोर हो जाते हम लोग भी एकदम से। पूरा कंटिन्यू आपकी आँखें पूरे कंप्यूटर के पास रहती है ना, तो थोड़ा सा हम लोग 10 मिनट के लिए बाहर आ जाते हैं। और बाहर का जो हमारा ऑफिस के बाहर का जो व्यू है बहुत ही प्यारा है। एंड यहाँ ग्रीन ग्रीन हरियाली और बहुत अच्छा लगता है, बाहर टहलते रहते हैं 10 मिनट। एंड यहाँ पे मेरी ड्रेस कैसी लग रही है आप लोग को मुझे कमेंट करके बताना। एंड उसके बाद मैं ऑफिस का वर्क वर्क करने के बाद मैं आ गई थी घर पे। और घर पे आने के बाद सबसे फर्स्ट जो काम होता है मेरा, मेरे हस्बैंड लेकर आते वेजिटेबल को सारी चीज़ें निकालना, बॉटल को निकालना, टिफ़िन जो लेके जाते हैं ऑफिस वो सारी चीज़ें निकालना। और आज मैं ना यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को बोल दिया था साबुदाने के बड़े बनाऊँगी मैं, तो आप प्लीज़ साबुदाना भिगा कर रख देना। मैं सोच रही, मेरा ना बहुत मन कर रहा था कि साबुदाने के बड़े खाने का, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था और वो बोल रहे थे देखता हूँ मैं फुलाता हूँ नहीं, उनकी क्योंकि उनके पास टाइम थोड़ा कम था। तो मैंने सोचा चलो फुला दिए होंगे तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, नहीं फुलाए होंगे तो फिर दूसरा कुछ बना लूँगी मैं। लेकिन उन्होंने फुला दिया था। फिर उसके बाद मैं थोड़े से बड़े से बाउल में ना थोड़ा सा पानी और डाल दिया था क्योंकि 2 ही घंटे हुए थे, तो थोड़ा सा पानी डाल के ना अलग से थोड़ा सा ढक के रख दूँगी ताकि वो और फूल जाएगा। जब तक मैं काम करूँगी तब तक वो साबुदाने और अच्छी तरह से फूल जाएंगे। एंड यहाँ पे ना फटाफट से मैं ना आलू बॉईल करने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो पहले दूसरा काम करने से अच्छा पहले ना जो काम ना ज़्यादा टाइम लेता है जब तक मैं दूसरा काम करूँगी, जब तक आलू ना बॉईल हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। मैं ना हमेशा ऐसी चीज़ें सोचती हूँ जो जिसमें ना थोड़ा टाइम कम लगे, क्योंकि ना आप इतना ज़्यादा अगर आप वर्किंग लेडी होते हो तो बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर भी रहता है, मतलब वर्क कर कराओ तो आप थक जाते हो। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि काम जितना हो सके मुझसे उतनी जल्दी जल्दी फटाफट से निपटा दूँ। यहाँ पर मैं फिर काम कुकर चढ़ा दिया था, पूजा वूजा की मैंने यहाँ पर, फ्रेश होकर मुँह हाथ धोकर मैंने पूजा वूजा किया। बहुत ही अच्छा लगता है ना, नवरात्रि के दिन बहुत ही प्यारा लगता है। एंड यहाँ पे आलू बॉयल हो गए थे, यहाँ पे मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हो साबुदाने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खिले खिले भीग गए हैं, फूल गए हैं। यहाँ पे मैंने ना चटनी भी बना दिया था, मैं सारा काम कर लिया था। एंड यहाँ पे मूंगफली थी, मूंगफली सारी चीज़ें करने के बाद मैं पूजा की आराम से। एंड फिर यहाँ पर मैंने सोचा चलो साबुदाने के बड़े बना लेते हैं, तो फिर यहाँ पर मैं साबुदाना लिया। एंड यहाँ पर ना गाइस, मैं अपने लिए ही बना रही हूँ साबुदाने के बड़े, और बाद में जब मेरे हस्बैंड आएंगे ना तब मैं उनके लिए सारी चीज़ें मिक्स करके रखूँगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम था, उनको 2-3 घंटे थे, तो फालतू में मिक्स करके रख दूँ मैं फिर चीज़ें ना बहुत टाइम हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि सारी चीज़ें तो तैयार रेडी है, सिर्फ मिक्स करना रहेगा और बनाना रहेगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अपने लिए ही बना रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं छोटी छोटी सी बॉल बना लूँगी। एंड ना गाइस, इसके जो फुल रेसिपी है ना मेरे शॉर्ट्स वीडियो में मैंने क्या क्या चीज़ें कैसे बनाया है कैसे नहीं, एंड इसका ना फुल वीडियो आप लोग को शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगा। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड कलर की जो बटन है उसको क्लिक करोगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो छोटे छोटे मैंने बॉल बनाए थे, उसको टिक्की टाइप में बना दिए साबुदाने के बड़े। एंड यहाँ पर मैं रख दूँगी तेल, तेल बॉयल करने के लिए रख दूँगी ताकि तेल अच्छा से थोड़ा सा गर्म हो जाए। और यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, व्रत में ये व्रत वाले साबुदाना है और व्रत में वैसे भी ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं, तो इसलिए मैं उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें किया है। बहुत सारे लोग होते हैं ना व्रत में खाना नहीं खा पाते, तो इस तरह से फलाहार कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है बनाने में भी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मैं बड़े फटाफट से निकाल लूँगी गरम गरम, मुझे भी ना लगी थी भूख, मेरा गुरुवार का व्रत था तो फिर मैंने सोचा चलो अपने लिए फटाफट से मैं यहाँ पे बड़े निकाल लेती हूँ। और गाइस, बड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। एंड गाइस, आप लोग को व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।